हाय दोस्तों, आज मैंने एक सेल्ट मंगाई है जो कि आप देख सकते हो एजियो से मंगाई है और आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। जो आप देख रहे हो कि इसकी कैसी अनबॉक्सिंग होने वाली है। चलो दोस्तों, हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और दोस्तों, सेल्ट बताना कैसे लगती है। दोस्तों, मैंने ये 7 दिन पहले देखी थी और अब आई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लॉकडाउन लग रहा है इसलिए थोड़ा डिलीवरी में इशू आ रहा है। दोस्तों, एजियो एक बहुत अच्छे कपड़े बेचता है मेरे हिसाब से, क्योंकि सस्ते भी है, कूपन लगा के सस्ता पड़ जाता है ये, क्योंकि मुझे बहुत ही सस्ता पड़ा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप भी एजियो से ही शॉपिंग करें। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि मुझे भी पसंद नहीं आते, शायद आपको भी नहीं आते होंगे, इसलिए अगर आपको पसंद आया तो आप रख लिया करो, नहीं तो वापस रिटर्न हो जाते हैं। दोस्तों, ये इसका बिल है जो आप देख सकते हो। आपको मैं बता देता हूँ कि मेरे को शर्ट कितने की पड़ी है। देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 315 रुपये की पड़ी है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो बता देता हूँ मैं आपको, 485 रुपये की शर्ट है, जिसका मैंने 185 रुपये डिस्काउंट मिला है। 300 इसकी नेट प्राइस है, 15 रुपये टैक्स लगा है, तो ये 315 रुपये की दोस्तों मुझे शर्ट पड़ी है। मुझे तो दोस्तों 300 रुपये में बहुत ही अच्छा क्वालिटी का शर्ट लग रहा है। मैं आपको आपको दिखा देता हूँ शर्ट कैसा है, तो इनको हटा देते हैं साइड में। आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर का शर्ट है। ये मुझे काफ़ी दिन से इसके लिए कर रहा था ऑर्डर। ये देखो दोस्तों, ये ऐसा कलर है, आप देख सकते हो। दोस्तों, इसका कपड़ा भी बहुत ही शानदार लग रहा है मुझे, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी लग रही है मुझे इसकी। और ये दोस्तों, मैंने एम साइज मंगाया है जो आप देख सकते हो। मतलब कपड़ा एकदम ऐसा है, कॉटन में है, और आप देख सकते हो पूरा साइज एम साइज़ का है। और आप भी, मुझे तो दोस्तों बहुत पसंद आया है ये कपड़ा। बाकी अगर आप मंगाना चाहो तो बहुत कलर भी इसका शानदार है। और देखो, आप इसको आप देख सकते हो पैकिंग कितनी शानदार की हुई दोस्तों इसकी। ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें भी इसमें एक लिफाफा दिया हुआ है, ये इसमें कागज वगैरह। और देखो दोस्तों, ये खूब मस्त साइज है, देखो एम साइज दोस्तों, आप भी ले सकते हैं दोस्तों इसको, बहुत ही शानदार दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।